झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी हफ्ते में मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी गोल्ड और सिल्वर, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख देखने मिलेगा। तो हम गोल्ड और सिल्वर से शुरू करें तो हमने देखा कि काफ़ी सुस्त सा कारोबार देखा गया था पिछले हफ्ते की मेजर जो एक ट्रेंड था वो साइडवेज था, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही एक पुल बैक आते हुए देखा, यानी ऊपरी तरफ प्राइजेज जो हैं वो आकर क्लोज देने में कामयाब हुई हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई है और वहीं चांदी की अगर बात करें तो लगभग 67,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। गोल्ड में आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये जारी रहेगी इनिशियल 2 या 3 दिन और उसके बाद दोबारा प्राइजेज़ में नरमी आ सकती है। तो हालांकि बड़े तौर पर एक दायरे का कारोबार ही रहेगा, लेकिन इमीडिएट तौर पर ऐसा लगता है कि 52,400 से 52,500 तक प्राइजेज़ जा सकती हैं गोल्ड में, और वहीं पर चांदी में लगभग 67,800 से 68,000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। चांदी में गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा हमें एक स्लो और स्टेडी मूव दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम हमें प्राइजेस में नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि 68,000 के करीब आके एक कैप ज़रूर हो जाएगा और उसके बाद दोबारा प्राइजेस में मुनाफा वसूली आ सकती है। तो इमीडिएट तौर पर जो रुख है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं पर हमने कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने देखा कि नरमी के साथ कारोबार हुआ, 7,400 का जो स्तर था जो इसके पहले वाले हफ्ते में काफ़ी अच्छे तरीके से ले रहा था और तेज़ी के अनुमान दिखाई दे रहे थे, वहीं हमने देखा कि आईए की तरफ से जो एडिशनल इन्वेंट्रीज़ यानी जो एडिशनल स्टॉक रिलीज़ करने की बात की है और लगभग 250 मिलियन बैरल्स अधिक जो एक सप्लाई है वो ग्लोबली रिलीज़ करने की बात की गई है, जिसमें यूएस में और यूरोप और जापान इनकी तरफ से जो रिलीज़ होने की बात की है, उसके बाद हमने कच्चे तेल में लगातार एक करेक्शन का दौर देखा है जहां पर अपसाइड में 7,900 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकल पाई हैं और डाउनसाइड में 7,400 का स्तर टूट चुका है और उसके बाद 7,150 तक के स्तर भी हमने आते हुए देखे। आने वाले हफ्ते में एक दायरे का कारोबार हो सकता है जहां पर 7,100 का जो सपोर्ट हमने पहले डिस्कस किया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अब तक क्योंकि टूटा नहीं है और डेली क्लोजिंग बेसिस जब तक होल्ड करेगा तब तक पॉसिबिलिटी है कि हम 7,100 से लेकर 7,600 तक का एक दायरा देखें। तो एक दायरे का कारोबार हो सकता है, यानी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो देखने मिल सकता है। वहीं पर नेचुरल गैस में हमने जो तेज़ी की उम्मीद की थी वो उसी प्रकार देखी गई है, 480 के लेवल जो हैं बाज़ार छू चुका है, 490 से 95 तक के हाइज भी बने हैं, हालांकि जो क्लोज़ है वो 480 के करीब ही प्राइस देने में कामयाब हुई हैं। शॉर्ट टर्म करेक्शंस आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जब तक 460 से 455 के जोन के ऊपर है तब तक रुख ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और हमें आने वाले हफ्ते में 505 और उसके बाद 520 तक के स्तर भी दिखाई देंगे ऐसा मेरा मानना है, यानी नेचुरल गैस में तेज़ी की अच्छी उम्मीद बनी हुई है। वहीं पर बेस मेटल्स में काफ़ी मिलाजुला कारोबार देखने मिला, जहां पर हमने जिंक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी आते हुए देखी, वहीं पर कॉपर जो है वो एक साइडवेज ऐसा कारोबार करते हुए दिखाई दिया, एलुमिनियम में हमने नरमी के आसार देखे हैं। आने वाले हफ्ते में अगर जिंक की बात करूं तो सबसे मजबूत काउंटर फिलहाल दिख रहा है और ऐसा लगता है कि अपसाइड में करीबन 365 के लेवल हमें देखने मिलेंगे, यानी करंट लेवल से भी करीबन 2 से 2.5% की तेज़ी आ सकती है। जो भी डिप मिले 355 से 356 के बीच वहां पर दोबारा बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 365 के लक्ष्य के लिए। वहीं पर कॉपर में अगर बात करूँ तो एक दायरे का कारोबार ही दिखाई दे रहा है, हालांकि जो दायरा ऊपरी तरफ टेस्ट हो सकता है यानी 830 का जो स्तर है वो टेस्ट होने में प्राइजेस
सक्षम हो सकती हैं, लेकिन जिसके बाद दोबारा एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलेगा। यानी जो दायरा है वो करीबन 812 से 830 तक रहने की उम्मीद है। पहला जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन 830 से अगर करेक्शन आती है तो हम 812 तक के स्तर देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम की भी अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम में हमने सुस्ती का कारोबार देखा है, यानी एक सेल ऑन रैलीज मोड में रहा है, लेकिन यहाँ से जो डाउनसाइड है वो कम दिख रहा है, यानी 273 से 272 तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरा मानना है कि दोबारा बाज़ार तेज़ी पकड़ेगा और अपसाइड में हमें 295 तक के लक्ष्य भी देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में एक नरमी का रूप देखने मिल सकता है, यानी करंट लेवल से करीबन 2% की नरमी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 295 के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। निकल फिलहाल मैं अवॉइड करने की सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अब तक LME पे भी जो कारोबार है वो ठीक तरह से शुरू नहीं हुआ है, और इसमें जो लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वही लोग फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम भी हमने देखा है कि काफ़ी कम है, तो M6 निकल में फ़िलहाल अवॉइड करने की सलाह दूंगा। वहीं पर M6 लेड में हमने काफ़ी एक मिला जुला कारोबार देखा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 184 से 183 के बीच प्राइजेस जो हैं सपोर्ट ले सकती हैं, और आने वाले हफ्ते में हमें तेज़ी देखने मिलेगी जहां पर 187 से 188 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की रणनीति M6 लेड में अपनाई जा सकती है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का सवाल है, वहाँ पर हमने जो डॉलर इंडेक्स है उसको यूरो और पाउंड के अगेंस्ट और इवन येन के अगेंस्ट, जो ये मेजर करेंसी जिसे कहा जाता है उनके सामने हमने डॉलर इंडेक्स को गेन करते हुए देखा है। यही चीज़ रुपए को भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रख सकती है, यानी डॉलर रुपी जो है वो ऊपर की तरफ रह सकता है, जिससे शुरुआती दिनों में अगले हफ्ते की और उसके बाद भी डिप पे गोल्ड और सिल्वर में हमें सपोर्ट देखने मिलेगा। हालांकि ऊपरी स्तरों पे यानी 52,500 पे गोल्ड में और 68,000 के करीब चांदी में दोबारा हमें रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो इस प्रकार जो डॉलर रुपी है वो हमारी इंडियन कमोडिटी बास्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ है उसमें आने वाले कुछ दिनों में क्या रुख देखने मिलेगा।